परेशान हो? हाँ नहीं नहीं तो अगर नहीं बताना चाहती वो अलग बात है, लेकिन कम से कम झूठ नहीं बोलो। झूठ? मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है? तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी बेवकूफ बता सकता है कि तुम परेशान हो, और मैं तो फिर खासा इंटेलिजेंट। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट झूठ नहीं बोलो। सच सच बता दिया करो कि तुम्हें मुझसे कुछ शेयर नहीं करना। आपका शुमार सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में होता है या झूठे लोगों में? मैंने कौन सा झूठ बोला? आपने तो कहा था कि ऑफिशियल लंच है, लेकिन यहाँ मुझे कोई ऑफिस का स्टाफ तो नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे और मेरे दरमियान ऑफिशियल लंच नहीं हो सकता। कोई ऑफिशियल पर्पस भी तो होना चाहिए ना। है ना ऑफिशियल पर्पस? क्या? तुम्हारी परेशानी की वजह। अच्छा ये बताओ कि आज तुम्हारे ऑफिस में कौन आया था? मेरा मतलब है ऑफिस के रूम में। कौन? वही जो खुद को तुम्हारा रिश्तेदार बता रहा था, और बाद में तुमने ऑफिस से निकाल दिया उसे। देखो महाबारा, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसी बातें छुपती नहीं है। अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहती है तो प्लीज। नहीं, वाकई कोई मसला नहीं है, और मैं वैसे भी किसी और वजह से परेशान हूँ। किसी और वजह से? किसी को थप्पड़ मारने की वजह से? देखो माँ बाप, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ऑफिस के बाहर किसी को थप्पड़ मारा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। बताओ प्लीज, मैं तुम्हारी। जब मुझे जरूरी लगेगा तो मैं जरूर बताऊँ, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। और प्लीज आइंदा परेशान होकर कोई ऑफिशियल लंच मत रखिएगा। ठीक है, तो आइंदा मैं घर आ जाया करूँगा। घर? क्यों नहीं आ सकता? नहीं, वो मैं। दादी को एतराज होगा। नहीं, उन्हें मैंने अभी साथ काम करने का नहीं बताया। क्यों? वो तो पहले ही मेरे रिश्ते ढूंढ रही थी, और अब सुहेल का खौफ। अगर उन्हें सलार का बता दूंगी तो वो तो पता नहीं क्या सोच लेंगी।